अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हमारी इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है, गुड न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा हम सब फैमिली खुश हैं और आप लोगों के साथ भी ये मैं खुशी और ये खबर शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने आप इस मेरा को बेटा दिया है, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा सब खुश हैं, जितनी भी हमारी प्यारी सी YouTube फैमिली है जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि हम एक फैमिली मानते हैं तो जाहिर सी बात है हम उनके साथ अपनी खुशी गम जो भी होता है उनके साथ शेयर करते हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो सब हमारी प्यारी सी YouTube फैमिली को। और भाई नसरुल्ला बहुत ज़्यादा खुश हैं और ख़ास तौर पर अम्मी अबू जी, हम बहन भाई बड़े खुश हैं क्योंकि भाई नसरुल्ला एक ही भाई थे, उनका कोई भाई नहीं था। तो वो इस चीज़ को, भाई नसरुल्ला जो है ना, इस कमी को महसूस करते थे कि मेरा भाई होता तो मतलब मेरा सहारा बनता ना बंदा। एक दूसरे के भाई भाई जो होते हैं ना, बाजू होते हैं, वो कहते हैं ना कि भाई भाइयों के बाजू होते हैं, उनकी ताकत होते हैं। तो ये बात है। तो बाकी भाई नसरुल्ला इस चीज़ को मिस करते थे कि मेरा भी भाई होता, हम भी उठते बैठते एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करते। तो ये चीज़ को भाई नसरुल्ला काफ़ी ज़्यादा मिस किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने उमर को जो है ना भाई दिया है, बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। अदन बड़ा खुश है, अदन उठा रही है, प्यार कर रही है, उमर साहब बड़ा प्यार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना वो लाड जो कर रहे हैं वो मोई साहब उनके साथ कह रहे हैं। मोई साहब कह रहे हैं कि ये हमने अपने कमरे में लेके जाना है। बच्चों की फिर होती है यही आदतें, बच्चे कहते हैं हमने अपने पास रखने हैं, खुद सुलाना है, खुद उठाना है। मोई साहब जब हॉस्पिटल से आए, मोई साहब ने उन मतलब अपने साथ लेटाया, मोई साहब ने कहा जी मैंने इसके साथ सोना है मैंने। तो मोई साहब इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा करता है, बच्चों का वो वैसे ही बहुत ज़्यादा करता है। तो बाकी बात जी, बहुत ज़्यादा खुश हैं भाई नसरुल्ला। अड्डे पर गए हुए हैं मिठाई लेने के लिए, सबका मुँह मीठा करवाना है। और ये आप भाई नसरुल्ला की वीडियो पे उनकी खुशी आप उनकी देख सकते हैं। अम्मी जी और बाकी सब का जो रिएक्शन है, मतलब मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं, ये आप वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा जी, सुबह सुबह अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है, बाकी सब हॉस्पिटल गए हुए थे और हम लोग, मैं भाभी आसिया अबू जी घर के बच्चों को लेके, तो हम लोग जो है ना उनके लिए चाय बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर में वो पहुंच जाएंगे, फिर आपको छोटा नन्ना मुन्ना सा बेबी जो है ना वो आपको दिखाते हैं। नन्ना मुन्ना बेबी जो है ना वो भी आया और अल्लाह ताला ने बारिश भी दे दी, ठीक है। आज बारिश भी होना शुरू हो गई है, ये देख लें आसमान पे बादल ही बादल, और बारिश भी हो रही है, अभी भी हो रही है बारिश, ये देखें बारिश अभी भी हो रही है। चलिए जी, हम चाय बनाने फिर देखते हैं। अच्छा जी, कार आ गई है, वो सामने देख रहे हैं लाइट, भाई जी हारन भी देख रहे हैं। अच्छा जी, मैं ये खोल लूँ दरवाज़ा। मुबारक हो भाई नसरुल्ला। चलो जी, चलो असि जरा ना चाय ले आईए। हाँ जी, चलो दो भाई हो गए। मारे हाँ जी, हम थोड़ा छोटा भाई आ गया, तुसी तुहानू खुशी है? अच्छा, तुसी नाम डिसाइड कीता? अच्छा, अभी नहीं किया नाम डिसाइड। अच्छा, आपको अपने जैसा लगता है या अदन जैसा? अदन जैसा। अदन जैसा लगता है? हाँ जी जी, बाकी सब भी कह रहे हैं कि अदन जैसा है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जो है ना उसकी शक्ल अदन से मिलती है, सब कह रहे हैं। बाकी मुझे इस बारे में
नहीं, मुझसे फैसला होता, मैं कहता हूँ कि उसकी अपनी, मैं कह रहा हूँ कि उसकी अपनी ही जसामत है, लेकिन अम्मी अबू लोग सब कह रहे हैं कि आदम जैसा है थोड़ा थोड़ा। बाकी मुझे इस बारे में ना मुझे ज़्यादा नहीं पता चलता। मौसम के बाद ज़बरदस्त मौसम हो, मतलब माहौल बन गया, ज़बरदस्त मौसम बन गया। ये देखे बारिश होने के बाद सारी मिट्टी जो है बिल्कुल जम चुकी है, तो अब बड़ा ज़बरदस्त माहौल है माशाल्लाह। वो देखिए अदन अपने भाई के पास बैठी है, खेल रही है। हाँ जी, की कर दिया अदन बेटा? भाई दे नाल खेल रहे हो? अच्छा जी, अब अदन सारा दिन इसका ख्याल रखा करेगी। उमार इतना नहीं करता जितना अदन ज़्यादा उसका कर रही है। अदन वैसे भी सबका बहुत ज़्यादा कर रही है। हाँ जी, अच्छा बेटा, सबसे ज़्यादा अदन ख्याल रखेगी। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, अदन सबसे ज़्यादा प्यार करेगी अपने भाई के साथ। उमार साहब काम करेंगी अदन ज़्यादा उसका साथ, मतलब ख्याल रखेगी। अदन सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, इन बच्चों इनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। अच्छा पी लिया थे हूँ फिर बेटा, मैंने क्यों दिखाने सामने जी। अम्मी जी, अच्छा अबू जी, तुसी? हाँ जी बिल्कुल जी। वैसे तुसी? अच्छा जी, पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। अभी असिया चाय बना रही है, ते होर अदन अपने भाई दे कोल लेटी हुई है। मोइज दा भाई? मोइज दा भाई है ना? हाँ जी, मोइज लड़ पैंदा जी। और चलो वो तो समझ जाते हैं अच्छा, ना सारे बच्चे, हाँ जी सुन लो पता सारा। अच्छा, सब तो ज्यादा ख्याल अदन ने अम्मी जी रखना। और मार नू बस खांदी है, देखो मूंगफली खाई जांदा बाहर। अदन सब बच्चियां दा बहुत ख्याल करदी है, इहदा भी देखियो किन्ना ख्याल करदी है अदन। हाँ जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, वो कहंदे अब्बू, कहंदे अब्बू जी कहंदे होंदे ना कि कली तो कंध भी ना होवे। हाँ जी, प्यो भी कला सीगा बिल्कुल। तो हुण इदां भी गां पुत भी कला से, इह दुआवां करदे सी अल्लाह जोड़ी रला दईए, इहने दो भरा हो जाणगे। हाँ जी, चलो अल्लाह ताला ने बहुत सोहना जड़ा वा ना खुशी दिखाई है, तो अल्लाह ताला जड़ा वा ना इन्हों सलामत रखे, तो इन्हों खुश रखे। हाँ जी हर खुशी दे। हाँ जी, हूँ असं इन्हों लियावे गिफ्ट, ये वास्ते शहर जावे, फिर इले असी छोटे छोटे शूज, इले वो कपड़े निके निके, फिर असी फीडर, इवें दी सारियां चीजां। अच्छा, वो चूसनी भी ले आनी है? मैं कहा बच्चे ने वो भी ले दे। हाँ जी, फिर वो नहीं तो सारा दिन कहते सानू फीडर पिलाई जाओ। हाँ जी चलो, वो भी ले आवांगे। बारी बारी सारे बच्चे जो है ना छोटे बेबी के साथ सोने की कोशिश कर रहे हैं। अब हिबा के सो गई है, पहले अदन थी, कभी उमार आ जाता है, कभी अब मोइज जो है ना वो नाराज होके खड़ा है इधर। अब बच्चिया ने कोल जड़ा वा ना इतने बह जाओ, इन्हों का कोई पता नहीं, बच्चे ने मधोल ही ना दे। चा चा कर दे सारे। हाँ जी, अच्छा जी, असं सारे कोल ही बैठे हैं, लेकिन बच्चों चा वा जी। बारिश हुई थी तो रात, फिर जब भाई लोग वापस आए तो कार के टायरों को बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, क्योंकि इधर बारिश भी हुई थी और सैंड भी जो है ना वो पानी खड़ा था, तो बहुत ज़्यादा इधर डस्ट बन गई थी, बहुत ज़्यादा डस्ट थी। तो फिर ये किया मैंने कि मैंने फिर मिलके कुछ बच्चों ने मेरी थोड़ी हेल्प करवाई, बाकी सारा ये फ़र्ज मैंने धो दिया। भाभी और अम्मी लोग बिज़ी थे खाना बनाने में, और फिर मैंने ये सारा जो है ना कार भी धोई है। उमार ने मेरे साथ सारी कार वाश करवाई, और उसके बाद फिर मैंने ये सारा सहन वाश करके वेपर भी लगा के सुबह से लगा हुआ हूँ। अब मैं तकरीबन 1 बज चुका है, अब मैं फ्री हुआ हूँ। अगर वेपर ना लगाया जाए तो ये पानी खड़ा रहता है इसमें जगह, और अगर वेपर लगा दिया जाए फ़ौरन ये फ्रेश जो है ना ये सूख जाता है। अब ये देखें, ये बिल्कुल सूख चुका है, तो अब ये कोई मसला नहीं है कि जिस तरह मर्जी बच्चे जो है ना आए जाएँ।
चलें जी। बारिश आई और अभी तक ये सहन भी जो है ना गीला है, आप देख सकते हैं। और इधर जो मिट्टी थी वो भी अभी थोड़ी थोड़ी है, मतलब पता चलता है कि बारिश हुई है, बाकी ये सूख चुकी है ये भी। हाँ जी, मेरे बेटे ने सारी कार वॉश करवाई और अब माशाल्लाह कार बेजा बेजा लग रही है।